जय हिंद। राम राम भाइयों। लो भाइयों, पिछले वीडियो में आप तो मैंने वह वाले दिखाई थी, आज ये हैं जो हमने 15 से लेके मतलब 15 दिसंबर ने जो ये वाला डाला था ना, ये लोट, ये 20 बेड का। और तो आप देखो, लोग बाग न्यू क्या आ रहा है भाई, 2 महीने में खाद उतर जाए है पहली साइकिल, 1.5 महीने में, 35 दिन में। तो भाई साहब, हमने तो ये देखो ये लगाए, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि ये 15 दिसंबर में लगाए थे, करीब 15 फरवरी है ना, 1-2 महीने और कुछ दिन हो गए। तो देखो आपने, आप रिजल्ट दिखाओगे आज? रोहित आइयो 1 मिनट। तो देखो, तो ईब हमने न्यू लग गया है कि हाँ भाई 10-15 दिन में हमारी ये कुल मिला के लेर तारण लायक हो जाएगी, कि 10-15 दिन और लगेंगे फिर हम अपनी ये लेयर भी तारेंगे। यानी हिसाब किताब देखा जाए तो जो वो बेड थे उन मेरिन में कम से कम 10 दिन का गैप है, तो उस हिसाब से सही चल रही है हमारी जो साइकिल चल रहा करें। और कैचुए भी बहुत मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं हमने अपने बेडा में, बहुत ही ज़्यादा। चलो परमात्मा ही कही है, कृपा है। रोज जरा 1 मिनट दिखाइए भाई, वो हटा के दिखा, देखो रोहित आपको दिखाएगा। राम राम कर, राम राम ले दिखा भाई इन बेडा में, जरा अच्छे से खोल के दिखा पूरा। अच्छा हटा ले, हाँ यहीं से हटा दे पूरा, हटा रोहित। हाँ देखो दोस्तों, ये देखो भाइयों, ये खाद देखो, ये हमारी बनने लगी है, एक नंबर की खाद बनती जान लग रही है पूरे बेड में। ये देखो आप, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इसमें कोई भी मतलब अंडे तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन गोबर नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, देख सको आप, अलग चमक है सुनहरी। और ये अंडे हैं दोस्तों, ये देखो ये अंडे हैं, ये लाल लाल से, ये देखो ये दुनिया भर के अंडे हैं। हाँ ये अंडे रखे हैं सारे, अंडे बहुत ज़्यादा हैं इसमें, है ना। चलो ये भी बहुत बड़ी बात है, और दिखा कोई एक आधा बेड। तो दोस्तों खाद मारी भले ही थोड़ी लेट बनी है, देखो उनको अरे सहज पके सो मीठा हो, सबर का बड़ा हमेशा मीठा हो है। अगर हम इसने थोड़ी जल्दबाजी कराए तो इसमें क्या था कि जो बीच बीच में गोबर रह जाए वो भी गैला उतरे, और छान छूण में फिर ये है कि खादी गैला गोबर मिस हो जाए, मिक्स हो जाए दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बात है कि भाई अपनी गुणवत्ता और क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये है कि भाई हमने सिर्फ इसमें से खाद कलेक्ट करनी है, वह इकट्ठी करनी है खाद, सिर्फ गोबर नहीं इकट्ठा करना, जब भी हमने एक अच्छा प्राइज़ मिल जाएगा। और दिखा दे रोहित भाई, वो दिखा साथ वाला, हाँ फिर पीछे वाला ही खोल दे। देखो दोस्तों खोल भाई, दिखा जरा, हटा, हाँ ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, वह ये देखने वाली चीज़ देखो, हम आपसे कह रहे हैं जैसे गोबर थोड़ा थोड़ा रह रहा है इनमें, बाकी ये खाद मारी तैयार है ना, कि बीच बीच में, लेकिन ये गोबर है। तो लोग बात क्या कर रहे हैं कि भाई उन्होंने सोचा है कि बस ये थोड़ा बहुत तो चाल जाए, और वह इस गोबर समेत इस खाद में तार लें। लेकिन हम क्या करेंगे कि भाई हमने बेरा है कि 10-15 दिन में एक बार इसमें और पानी मारेंगे 1 या 2 बे, उसके बाद जो बचा कुचा है वह वर्म कैचवे इन खाकन है, इनने भी कहते खाद बना लेंगे, तो ऊपर की जो हमारी लेयर उतरेगी, यानी कि तो आप लगा लो कि 3 महीने दोस्तों, समझो 3 महीने हमने लागे हैं, पूरी मेहनत करी है सारी, आप तो बताते भी रहा हाँ, दिखाते भी रहा हाँ। तो ये 3 महीने का फल हमने पहली बार मिल जाएगा, और हमारी फर्स्ट लेयर उतरेगी इन 40 बेडा माते, जो अपना हम आगे दिखाओगे कि भाई उतारनी कैसे है, क्या क्या सावधानी रखनी है। और सिर्फ गोबर नाम मात्र भी हम तो नुचाओगे, इस हिसाब से उतारने की कोशिश करेंगे, देखो कि गोबर ना उतरे, सिर्फ खादी खाद उतरे, जिससे कि हमें जो हमने सोच रखा है वो अच्छा प्राइस हमने मार्केट में मिले। ये देखो दोस्तों मैं आपको और भी दिखा दी हूँ, ये देखिए दोस्तों
ये बिल्कुल एक नंबर की खादी। देखो हमारे कैंचुए भी ऊपर बैठे हैं और ये अंडे हैं दुनिया भर के, आप देख रहे हो ये रेड रेड ये सारे अंडे हैं। ये देखो ये अंडे अंडे हैं इतने तो। बाकी खाद हमारी जो हमने सोची है बिल्कुल एक नंबर की खाद बनने लग रही है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। इनमें ये देखो अंडे की तादाद बहुत घनी है, आप देख रहे होगे ये पूरी लेयर मारी बिल्कुल फिट तैयार कर दी इनने। ये देखो तो भाइयों बस ये मैं आप तो दिखाना और बताना चाहूँ था, थोड़ा सा सब्र करो, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छे प्राइज़ भी मिलेंगे। सब्र का फल हमेशा मिट्टा हो है, हमेशा जो वीडियो में बताओ है कि भाई डेढ़ महीने में, दो महीने में, एक महीने में, 35 दिन में शुरू कर दें कई लोग तो खाता नहीं, तो मैं नुए समझ में नहीं आया करती क्योंकि तार क्यों कर लिया करते। तो ये मेरे लेकिन ये बात समझ में लाएगी जो मैंने मार्केट में जाकर मैंने बहुत सारी ये जो खाद वाद की दुकान है और ये जो रिक्शा वाल डीजा हैं पेड़ पौधे बेचणियाँ ये खाद भी लेके पैकेट मैंने बहुत है अपनी गोज तो पैसे दे दे कर खाद ले लेके भाई साहब मैंने चेक करी है और देखा है। तो बस मैं के बताऊँ आपने आप समझदार हो कि लोग बाग समझ लो जो वो मसाला बनाएगा ना बिल्डिंग बनाती है ना 3-4 का रेशियो, एक तसला अगर खाद है तो 3 तसले उसमें गोबर है। तो भाई साहब इससे हमारे उनका रेट भी इतना कम है क्यों, गलती उनकी नहीं, ये उनने सीखा नहीं कि खाद उतारनी कैसे है बढ़िया खाद जिससे कि आपकी वैल्यू भी अच्छी होगी। तो ये छोटी छोटी सावधानी है दोस्तों ये रखनी पड़े हैं और हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी अपनी खाद उतारने का, समझ लो कि टाइम आए गया और हफ्ता 10 दिन की बात है क्योंकि दोस्तों ये एक 25-26 तारीख तक हम थोड़े बिजी हाँ, फिर उसके बाद ये ब्याह शादी हो जाएंगी बंद और हमारा पूरा ध्यान फिर इस चीज़ पर आएगा दोस्तों। देखो के करा हम भी गृहस्थी हैं, बड़े बच्चे हैं भाइयों, इतने साल तक काम करने लग रहे हैं फोटोग्राफी का, उन्हें छोड़ नहीं सकते, अच्छे रिलेशन बन रहे हैं लोगों का, लिया दुआ है प्यार है लोगों का और काम भी कोई माड़ा कौन है दोस्तों, फोटोग्राफी अच्छा काम है। तो उस समय बिजी हाँ, इसके कारण हम इन पर थोड़ा इन 10-15 दिन में इस महीने पर समझो कति नाम मात्र भी ध्यान नहीं दे पाए अपने इस काम पर दोस्तों, इस चीज़ का खास ध्यान रखो। देखो ये उगड़ा नहीं रहना चाहिए, इस पर देखो वो पानी मारता आने लग रहे हैं, पानी देने लग रहे हैं, वो थोड़ी प्योद लगा रखी थी इनमें पानी देगा ना अरबीन पर पानी मार देंगे, आप देखो ये सूख भी कती और इसमें आप देखो गोबर भी ऊपर तो हल्का हल्का खुश्क होने लग गया। अगर आपने ध्यान दिया होता है ये देखो दोस्तों खुश्क हो जाए गोबर तो के है कि वो कैंचुए नीचे चले जाए और वे नीचे चले जाएंगे पानी कम मिलने लगा तो वह नीचे खाद बनाना शुरू कर देंगे और ऊपर के गोबर ने वे काचा छोड़ देंगे क्योंकि वह सूखा गोबर तो खा नहीं सकते बेचारे क्योंकि उनकी तो खुराक भाई पानी में ही है सबके। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ा है दोस्तों, बस इब इन पर पानी मारेंगे मेरे ख्याल में 1 या 2 बोर पानी लगेगा इन पर और उसके बाद हमारा यो प्रोसीजर कम्प्लीट हो जाएगा और हो सके भाइयों ने दिखावेंगे कि ये तारनी कैसे है और जो प्योर ऊपर ऊपर की खाद है वो कैसे कलेक्ट करनी है जिससे कि आपको एक उचित और अच्छा मूल्य आपको बाजार में मिल रहा है। जय हिंद, राम राम। बात अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। रिजल्ट मैंने आपको दिखाई दिया है, कोई भी पेड़ उगाड़ के देख लो हमारी खाद कती, ये देखो दोस्तों खाद हमारी नहीं कभी तैयार है एक नंबर की। ये देख लो दोस्तों ये वरम देख लो, ये कैंच भी नीचे है, दोस्तों बस आप तैयार कहूँ कि देखो इवता इतने थे जाडे सर्दियाँ का टाइम था तो इतनी गर्मी ने ना हिसाब किताब था, परिवार का अगर टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है दिन ब दिन
तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि भाई जो भाई भी वो काम नया कर रहा है वो इस चीज़ का खास ध्यान रखे कि ये कितने तक भी थोड़ी बहुत भी उगड़ी ओढ़ ना हो, मतलब बढ़िया ढक्की ओढ़ो, चाहे वह क्या चीज़ से भी ढको, बोरी तो ढको, ज्वार की पूड़ी हो, बाजरे की पूड़ी हो, केले के पत्ते हो, जो इसकी चावड़ा की पराली हो, किसी भी चीज़ तो उसको अच्छे से कवर करके रखें, क्योंकि कैंचुआ जब भी काम करेगा जब उसने बिल्कुल डीप अंधेरा डार्क अंधेरा मिल लगा। और पानी अपना ध्यान रखो क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, कोशिश करो कि एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर आपने डेली देना पड़ेगा। जिसने ऐसे बिल्कुल मारी तरह कती ओपन में कर रखा है, देखो कोई शेड नहीं है, कोई ग्रीन नेट नहीं लगा रखा दोस्तों हमने, तो वो अपना हिसाब है। तो हो सके हमने आने वाले टाइम में जब कंटिन्यू भीषण गर्मी का जब टाइम होगा तो हो सके सुबह शाम दो टाइम भी पानी देना पड़े। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी देखो हम आपको दिखाते रहेंगे बताते रहेंगे। जय हिंद, राम राम।